ये देख सकते हैं हनोई सिटी टूर बस। यू आर फ्रॉम इंग्लैंड। ओह नाइस टू मीट यू। ये पहला पर्यटक स्पॉट आया है ये चर्च। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, हनोई सिटी टूर के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो दोस्तों, अभी मैं हूं हनोई का जो सिटी टूर बस का जो टिकट काउंटर है यहां पे, यहां से भी हम जाएंगे, टिकट लेंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे हनोई सिटी टूर के बस में। ठीक है, चलिए यहां पे टिकट ले लेते हैं। ओके, थैंक यू। तो भैया लोग, यहां से हमने देखिए टिकट ले लिया है और टिकट का प्राइस मुझे पड़ा कितना, 1,00,000 डोंग, मतलब इसको भारतीय मुद्रा में करें तो वही 375-76 रुपये होगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे क्या ऑप्शन है घूमने का, तो भाई साहब यहाँ पे ये ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप 1,00,000 डोंग का टिकट लेते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे तक पूरा सिटी टूर कराएगा, स्टॉप कहीं नहीं रुकेगा। ठीक ना, 1 घंटे में आपको घुमा के ला के यहीं पर छोड़ देगा। बस की टाइमिंग है गुरु ना, वो है सुबह 9 बजे से रात को 8:30 बजे तक, मस्त चलती रहती है गुरु। ठीक है, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे भी जाके टिकट बुक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट ये है hanoicitytour.com.vn। ठीक है, तो यहाँ से जाके बुक कर सकते हैं। हेलो, कम कम, यस ब्रदर, टिकट। हनोई सिटी टूर के लिए सिटी टूर बस में बैठ चुके हैं और सबसे हम ऊपर बैठे हैं और इनमें कुछ लोग हैं और कोई नहीं है, हम ही बस 3-4 लोग हैं और ये पूरा देखिए करके बस का नज़ारा। और सामने से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए पूरा सामने से पूरा बस का नज़ारा है। और यहाँ से हम अभी आगे पूरा इधर का व्यू भी दिखाएँगे और सामने का व्यू भी दिखाएँगे। तो ये मैप है, आप लोग देख लीजिए, इस मैप के ज़रिए इन सब जगहों पर लेके जाएँगे। यहाँ पर टोपी है, अगर आपको धूप लगती है तो आप टोपी ले लें, चलते और एक टोपी पहन लेते। तो ठीक है गुरु, टोपी ये फ्री मिला है कॉम्प्लीमेंट्री, सिर्फ पहनने के लिए जाते वक्त रिटर्न करना पड़ेगा। और ये हेडफोन भी उन्होंने दिया है, हेडफोन आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिला है, जाते वक्त रिटर्न करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे सीट के पीछे आपको ये दिया होगा, यहाँ पे आपको हेडफोन लगा लेंगे तो आपको जिस जगह पे जाएंगे उस जगह के बारे में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और धूप से बचने के लिए टोपी बहुत ही अच्छी है। यू आर फ्रॉम इंग्लैंड। ओह नाइस टू मीट यू। आर यू ऑन हॉलिडे हियर? या हॉलिडे हियर। यू कम टू इंडिया? Never, no, I'd like to, one day. Come. Yeah, yeah. We are welcoming you. No, thank you. India's beautiful, like beaches, many temples, Indian food. Yeah, lovely, I'd love the food, yeah. Have you been to England before? Yeah, I'm just a little. Yeah, yeah. Iceland. Yeah, no, one day. Yeah, one day. I just first finished the Asian countries. Yeah, nice. This is my profession, I am a blogger. Oh, okay, yeah. जैसा कि ये मेरी फ्रेंड हैं, ये इंग्लैंड से हैं और अभी हम ये बस में चढ़ चुके हैं और बस अभी 4 बजे बस यहाँ से चलेगी। ठीक है, अभी समय हो रहे हैं 4 बजे, हम 10 मिनट बाकी हैं, 3:50, तो जैसे बस चलती है हम आपको बताते हैं। बने तो ये देख सकते हैं, ये पहला पर्यटक स्पॉट आया है ये चर्च। दूसरा जो स्पॉट अभी आने वाला है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी बस को चले हुए अप्रॉक्स 15 मिनट हुए हैं और सबसे जो पहला पर्यटक स्पॉट हमको देखने को मिला वो है एक चर्च जो आपने पीछे कैमरे में देखा, उसके बाद बस कंटिन्यू चली रही है। आप बने रहिए, आगे दिखाते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए एक पर्यटक स्पॉट ये भी है दोस्तों, ये पेड़ की टहनियों से अपना सर को बचा के आपको अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप आगे का नज़ारा देखिए पूरा।
इधर की ओर मेरे देख सकते हैं पूरा ये बोट है, ये एक कबूतर वाली बोट है जो कि हमने श्रीलंका में राइड किया था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या दिखाऊँ, आप करना चाहें तो आप कर। करीब आधा घंटा हो गया, मतलब छोटी सी जगह है, उसी में सारे गलियों में घुमा रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है। मैं तो वही कहूँगा आपको 1000 डोंग वाला रिकमेंड करूँगा, 1 घंटे के लिए घूम बस। और बाकी क्या है कि बाकी तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। तो जैसा कि देखते थे हमारा 1 लाख डोंग का 1 घंटे का सिटी टूर, बस का टूर अब ख़त्म हो चुका है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और तो नीचे की ओर जा रहे हैं। हाँ रख दीजिए, नहीं नहीं रखना है वो बोलेगा जितने का नहीं उतने तो हमारा टोपी ले जा रहे हो। अब हम जा रहे हैं दूसरा पर्यटक स्पॉट हनोई ट्रेन स्टेट, ठीक है, जहाँ पे मतलब ट्रेन मार्केट अगर है तो वहाँ से करीब 650 मीटर है। तो मैं क्या पहले तो नहीं करता हूँ ट्रेन स्टेट भाई ज़्यादा मांग रहा है ना ये ट्रेन स्टेट। 50,000 में हमने ट्रेन स्टेट जाने के लिए रिक्शा किया है, ठीक है। यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे है, फिर भी हमने कर लिया है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो, पैदल नहीं जाना चाहते तो ये रिक्शा कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने किया है। यहाँ पे आप राजाओं वाली फीलिंग आती है आपको गुरु अगर आप यहाँ पे इस पे बैठते हो तो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी लगता है जैसा कि मरीज हो, बुजुर्ग हो गए ना, जैसे एयरपोर्ट पर बुजुर्गों को मरीजों को नहीं लेके जाते, वैसे ही आपको पीछे से धक्का देते हैं या छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, उसी प्रकार ये है, पीछे से वो लोग धक्का देते हैं और आप आराम से आगे बैठिए। ये देखिए ये इस प्रकार समझ रहे थे, यहाँ यहाँ आप बैठेंगे और पीछे से वो लोग चलाएंगे, तो ऐसे रिक्शे होते हैं यहाँ पे। हम अपने हनोई लेक से 1 लाख डोंग में ये रिक्शा करके, मतलब जो साइकिल रिक्शा होता है वो रिक्शा करके आ गए हम हनोई का एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्पॉट आपको दिखाने, जिसका नाम है ट्रेन स्ट्रीट। ये देख सकते हैं इधर की ओर ट्रेन की पटरियां हैं, ये पूरा ये ट्रेन की पटरियां हैं और ट्रेन की पटरियों के किनारे किनारे देख सकते हैं पूरा ये दुकानें लगी हुई हैं। ट्रेन जब आती है तो यहाँ पर जो है साइड साइड में जो दुकानें लगी रहती हैं इसको लोग समेट लेते हैं और ट्रेन चली जाती है, फिर यहाँ पे मतलब फिर बिछा के अपनी दुकानें लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पटरी है और अभी मैं पटरियों के बीच में खड़ा हूँ, तो चलिए और आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको हनोई की ट्रेन स्ट्रीट। ये देखिए तो ये देख सकते हैं ये है हनोई की ट्रेन स्ट्रीट, यहाँ पे पूरा ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे बियर भी पी सकते हैं। ये देखिए ये देखिए पूरा यहाँ पे साइड साइड में दोनों साइड रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बार हैं, यहाँ पे अपना दारू चखना बियर पी सकते हैं साइड साइड में, और इधर की ओर अपना जाके आप पूरा ट्रेन स्ट्रीट का आनंद ले सकते हैं। हालांकि ट्रेन शाम को 6 बजे आती है
तो क्या पता अभी ट्रेन आने वाली है या नहीं आने वाली है, वो भी हम आपको दिखाते हैं और पूरा टूर कराते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पर्यटक ये ट्रेन स्टेट देखने आते हैं। आने का बेस्ट टाइम है शाम को, आप आ जाइए 6 बजे से पहले, 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाइए ताकि 6 बजे आप इस ट्रेन स्टेट को देख सकें। ये पूरी मार्केट है, पूरा देख लीजिए आप। ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर लोगों के घर हैं। तो अब चलते हैं, 9 बजे की फ्लाइट है। यही स्ट्रीट है, हालांकि यहाँ पे ट्रेन जो है 7:30 बजे आती है शाम को, जो अगली ट्रेन अभी आने वाली है 7:30 बजे आती है, तो हम 7:30 बजे तक नहीं रुकेंगे क्योंकि मेरी फ़्लाइट है। लेकिन हाँ, यहाँ से फ़ोटो लेके आपको वीडियो ज़रूर बना सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे भारतीय पर्यटक भी हैं जो कि ट्रेन स्ट्रीट यहाँ पे देखने आए हैं। काफ़ी फेमस है स्ट्रीट है, अगर आप वियतनाम के हनोई आ रहे हैं तो इस जगह पे आप ज़रूर आएँ और इस जगह पे आके इस जगह का आनंद लें, ठीक है। ट्रेन कब आती है, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। और आज मेरा फ्लाइट भी है अभी 9 बजे का, तो ज़्यादा टाइम लगे तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं सिर्फ आपको ट्रेन स्ट्रीट दिखा के यहाँ से आगे चल चलूँगा। आगे चलता हूँ। Excuse me. What time to come train? 7:30. Yeah. Is now 6 going? 7:30. Okay. Thank you. तो ये देख सकते हैं पूरा। चलिए अब आपको बैक कैमरा दिखाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल। ऑलमोस्ट सारा हनोई का जो टूरिस्ट पैलेसेस है मैंने आपको कवर कर दिया। 2 दिन बहुत है, 2-3 दिन में आप, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आप आराम से पूरा इस स्पॉट को कवर कर सकते हैं और घूम सकते हैं फुल गर्दा के साथ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, हॉस्टल से अपना सामान लेता हूँ और फिर चलता हूँ हनोई के लेक के पास, वहाँ से लेते हैं बस और फिर चलते हैं आपको लेकर हनोई एयरपोर्ट, ठीक है। वहाँ से आपको लेके जाएंगे फ्लाइट में से हम कहाँ लेके जाएंगे रे बीमारी वाले, वहाँ से लेके जाएंगे हॉन्चुनिन, वियतनाम का एक और शहर हॉन्चुनिन सिटी, बने रहिए। पिल पिल के ट्रेन स्टेट से ये ग्रैब डायरेक्ट टैक्सी करके इनसे, तो ये मांग रहे थे मुझसे कि 1 लाख डोंग, लेकिन हमने इनसे बोला भैया मैं 20,000 डोंग दूंगा, तो 20,000 नहीं, फिर बोले 30,000 में इनको लेके आए मेरे हॉस्टल पे छोड़ने। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इनको 50,000 के नोट दिया, तो ये लोग बोले हमारे पास चेंज नहीं है, ये लोग ऐसे ही नाटक करते हैं, चेंज नहीं रहते। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को आप मेरे जहाँ पे मैं एयरपोर्ट के लिए बस लूँगा वहाँ छोड़ दो, तो ये छोड़ रहे हैं, बोले 10,000 और हमको दे दीजिएगा, हम बोले ठीक है। हेलो ब्रदर, हाय। तो चलिए यहाँ से अपना बैग उठा लेते हैं हम। सो व्हाट टाइम टू बस एयरपोर्ट, कैन पॉसिबल टू पुट दिस साइड। हॉस्टल से निकल चुके हैं बैग लेके अब हम, और अब हम जा रहे हैं हनोई लेक के पास, जहाँ से हमने सिटी टूर के लिए बस ली थी वहीं से लेंगे हम 86 नंबर बस और निकलेंगे हम हनोई एयरपोर्ट। वहाँ से मेरा विमान है दोस्त, विमान मतलब जहाज मतलब फ्लाइट, ठीक है। ये देखिए तो 45,000 डॉग में पहुँच जाएंगे, 1 घंटा यहाँ से बस लेगा पहुँचने के लिए भाई। हाँ
तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा लिखा हुआ है, 5 बजे की है, 6:30 बजे की है, 9:30 बजे की है और 10 बजे की है, ठीक है। तो अभी हमको बस जल्दी पकड़ना है, तो हम एयरपोर्ट। थैंक यू। गाइस, ड्राइवर साहब यहाँ पे बस रोक के टिकट ले रहे हैं। टिकट का प्राइस है 45,000 डॉन्ग, ठीक है। हनोई के जहाँ से आप सिटी टूर की बस लेंगे, उसके आगे ही बस स्टॉप है, वहाँ से आप बस पकड़ेंगे। 45,000 डॉन्ग की टिकट है हनोई एयरपोर्ट तक, आप ये देख लीजिए, टिकट का, ठीक है। टिकट को मैं बैक कैमरा दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। बस नंबर है 8686। टिकट का प्राइस है 45,000 डॉन्ग, 45,000 डॉलर। उसको भारतीय मुद्रा में करेंगे वही 30-40 रुपये के लॉक्स होगा, ठीक है। ये दिखा देता हूँ आपको, टिकट को देख लीजिए। फाइनली हम 86 नंबर जो है बस लेके आ गए हैं डोमेस्टिक टर्मिनल। यहाँ से हमारी एयरलाइंस है बम्बू एयरलाइंस की। ये बस का व्यू आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ये है देखिए 86 बस नंबर। तो ये देखिए, ये है हनोई का डोमेस्टिक टर्मिनल। एयरलाइन में हमारा चेकिंग हो गया है और हमारा बैगेज जमा हो गया है, और अब चलते हैं हम सुरक्षा जांच की ओर। आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं।